गोहाना की जनता को इस चीज़ का पता चलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं गोहाना में जिसको इसकी ज़रूरत है और वो घर पे कोशिश करते रहते हैं और वो पूरी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पाती, और यहाँ पे एक ही जगह पे इतनी बेहतरीन चीज़ उनको मिलेगी स्वास्थ्य के लिए। ये चिराई तक रखी, ये पैरास्टामोल की गोली से पहले बुखार उतार देता है। अच्छा, तो रिपोर्ट उनको भेजी तो डॉक्टर पूजा हुड्डा ने ये पूछा कि पापा के पिया आपने, कौन सी दवाई ली है जो एकदम आपका सारा सौदा ठीक हो गया? और ना साथ में हम, मेरा 17 सालों से जी दवाइयों का काम, आयुर्वेदिक दवाइयों का खुद तैयार करता हूँ, रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ। अनाथ है और शहीद परिवार से उनको मैं जूस फ्री पिलाता हूँ। क्या बात। हाँ, मतलब भाई बीमार हो और जरूरत हो तो जूस पिला दो। और ऐसा है कोई बुजुर्ग है, अनाथ है या शहीद परिवार से है और उनको बेचारे आर्थिक कंडीशन कमजोर है बिल्कुल ही, तो मैं उनको दवाइयाँ भी दूंगा। राम राम साथियों, आज सुबह सुबह की एक्सरसाइज के बाद गोहाना के एक ऐसी जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और यहां पे मेरे साथ हैं पवन आचार्य जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या ले आए यहां पे? ये मतलब ये घास फूस दिखा रहे हो आप, ये देखो यहां पे ये जो चीज़ें हैं भाई, ये वो घास फूस हैं, पता नहीं ये क्या दिखाएंगे और क्या बनाएंगे। मेरे को बोले कि अरुण जल्दी से आ जा, कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब ज़िंदगी में अगर इसके पास आ गए ना तो फिर बीमारी आपके पास नहीं आएंगी। अरुण, सबसे पहले मैं K9 मीडिया के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करूँगा और K9 मीडिया को भी नमस्कार करूँगा कि आपने एक छोटी सी चीज़ से पिछले 10 सालों में बेहतरीन, एक बेहतरीन चैनल जो बना दिया है, उसके लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा। और ये जो अब आप जो सामने देख रहे हैं धर्मवीर जी, ये एक नायाब चीज़ है इनके पास, एक ये आपको जो रेडी दिखाई दे रही है। पहले तो यही देख लेते हैं, नेचुरल हेल्थ केयर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जूस है जी। और ये देखो क्या है ये भैया, अरुण नीम लगा दिया, ये पेठा भी ऐसा, रखा ऐसा है। ऐसा कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी, आपके पास चाहे कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप उन सुख सुविधाओं का कोई आनंद नहीं ले सकते। तो आप, मैं एक चीज़ गोहाना की जनता को कहना चाहूँगा और ये मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे एक कहने पर, एक बार टोकने पर आप तुरंत के तुरंत आ गए। गोहाना की जनता को इस चीज़ का पता चलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं गोहाना में जिसको इसकी ज़रूरत है और वो घर पर कोशिश करते रहते हैं और वो पूरी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पाती, और यहाँ पर एक ही जगह पर इतनी बेहतरीन चीज़ उनको मिलेगी स्वास्थ्य के लिए। अब आप देखेंगे कि जितनी भी YouTube पे वीडियोस देखते हैं हम डेली स्वास्थ्य को लेके, कोई बताता जी ये बना के पी लो, कोई बताता जी ये बना के पी लो, वेट घटाना है तो जी ये कर लो, उन सब वीडियोस को आप जोड़ लो, उन सब वीडियोस को जोड़ के ये बनती है जी नेचुरल हेल्थ केयर वाली हमारे धर्मवीर प्रजापत जी की ये दुकान। अब आप इसमें देखेंगे तो मैं चाहूँगा जी धर्मवीर जी इनके बारे में नाम बताएं, मुझे तो नहीं पता है सारे। अच्छा, ये सारे इकट्ठे और है ना, के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। क्या है ये? ये सौगंधा जी, ये आपने नर्सरी बना रखी जी 2 प्लॉटों में, अपने खुद की नेचुरल चीज़ें बिल्कुल, फिर बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये पालक है जी आयरन के लिए, ये धनिया थायराइड में काम आता है और पाचन तंत्र के लिए भी। ये पुदीना, माइक ले लो आप और सारी चीज बताओ। ये पुदीना जी, ये मरुआ जी, एक बार दिखाओ ये योगे है मरुआ जी। अच्छा, ये आना जी पाचन तंत्र के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है जी। अच्छा, जामुन है शुगर के लिए भी और पेट की सफाई के लिए भी जी। ये जो पीपल के पत्ते दिख रहे हैं जी, ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रोग हैं, एक ही पत्ता काफी रहेगा डेली यूज में जी। ये सरस है जी। अच्छा, ये टीबी के लिए। अच्छा, कसुंदी है जी, ये शुगर में काम आती है, सदाबहार है जी। ये शुगर में काम आएगी, गुड़मार है, ये शुगर में काम आएगा, ये पाचन तंत्र के लिए भी और शुगर के लिए भी जी। ये क्या, अमरूद का पत्ता? अमरूद का पत्ता जी। अच्छा, ये सहतूत हार्ट को मजबूत करने के लिए जी। अच्छा, ये मकोई है जी, ये लीव 52 को माफ करती है जी, मकोई जी लीवर संबंधित रोगों के लिए जी। ये मोरिंगा जी 300+ बीमारी में अकेला काम करता, बादाम से 17 गुना ज्यादा पावरफुल होता जी जी। अच्छा, ये कड़ी पत्ता जी, ये बाड़ों के लिए संबंधित जो भी रोग है जी सभी को ठीक करेगा, आँख को संबंधित जी। ये तुलसी है तो एंटीबायोटिक होती है जी तुलसी जी। ये बेलपत्र जी शरीर को ठंड भी देगा और हमारे पेट को साफ भी रखेगा। ये पेट संबंधी रोगों के लिए गुड़मार है जी। ये हारसिंगार है जी, ये घुटनों का दर्द हो जी, जोड़ों का दर्द हो उसके लिए जी। इसी में हमारे पास ये होते जी पत्थर चट जी, बेल पत्थर का जी। नहीं नहीं, जिनके पत्थर, पत्थरी है ये पत्थरी के लिए जी, पत्थर को चट करने वाले। ये सफेद पेठा होता जी, ये वाला जी। अच्छा,
इसका क्या काम रहेगा? ये आंतों की सफाई के लिए दिए बेस्ट है, और इसके साथ हम कम्बिनेशन भी देते हैं, जैसे पत्थरचट के साथ कम्बिनेशन दे दिया पथरी में काम करेगा, हरसिंगार के साथ दे दिया तो घुटनों संबंधी रोगों में काम करेगा, और मोरिंगा के साथ दे दिया तो भाई काफ़ी कम्बिनेशन है। ये आंवला जी पेट की सफाई के लिए जी, ये अदरक है जी, ये हल्दी है जी, ये भी एंटीबायोटिक होती है, खीरा है, घिया है, एलोवेरा है जी। ये नो बताओ, ये सारी चीज इकट्ठी कितना करके लाओ हो? ये जी हमने नर्सरी बना रखी जी अपनी जी। अच्छा, खुद की अपनी नर्सरी है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है अकेले भाई, हाँ कितने कितने और तो भी लेनी पड़ी, बाहर तो भी लाना पड़ा कुछ, जैसे बड़े पौधे हैं जी पीपल वगैरह, ये बाहर से भी लाने पड़ते हैं जी। चलो ये तो कॉमन है, कोई ऐसा भी है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो? देखो जी ये चीज मिला नहीं जी, मिलेगी नहीं है मार्केट में नहीं। और अरुण जी अभी तो ये अर्क के बारे में आप इनसे पूछो, जो ये अर्क बना के लाते हैं जो डेली, बहुत शानदार ऐसी बोतल दे रही है, बता दो क्या ये आजमान के साथ में 5 आइटम होते हैं, 6 आइटम का रखे जी, ये 20 साल पुरानी गैस बनती हो ना किसी को उसमें काम करेगा जी। अच्छा। गैस नहीं, गैस की दिक्कत नहीं रहेगी। ये दालचीनी और भी जैसा का रखे जी, ये है ना कोलेस्ट्रोल में, शुगर में और गठिया में, तीनों में काम करेगा जी। ये अर्जुन की छाल का अर्क है जी, खून गाढ़ा हो रहा है उसको पतला करेगा, और हार्ट संबंधित कोई भी वो दिक्कत हो जी उसको, अर्जुन की छाल का। हाँ जी, ये गिलोय का रख है जी, ये तो प्लेट ये आप यहीं पे डाल के दोगे या घर ले जाने के लिए? घर ले जाने के लिए भी देते हैं, नहीं तो जूस में मिला के देते हैं जी हम। अच्छा, इनके कोई कॉस्ट अलग से नहीं लेते हम, ये गिलोय का रख है, ये प्लेट रेस्ट के लिए। अच्छा, मतलब जो भी कोई जूस पियाना होगा उसके जो बीमारी होगी उसके हिसाब से ये अर्क डाल दोगे आप? ये चिरायता का अर्क है जी, ये पैरास्टामोल की गोली से पहले बुखार उतार देता है। अच्छा, और ये शुगर में पैरासिटामोल की गोली लेने की एक जो साड़ा पी जाए गिलास, ये शुगर में भी काम करेगा, एलर्जी में भी काम करेगा, बुखार में भी काम करेगा। उसके बाद इनके पास जैसे काली मिर्च भी डालते हैं ये, और वो चीज भी डालते हैं, काली मिर्ची है जी, ये जीरा है जी, ये सेंधा नमक, और ना साथ में हम मेरा 17 सालों से जी दवाइयों का काम, आयुर्वेदिक दवाइयों का खुद तैयार करता हूँ, रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ, जूस में भी मेरी रिजल्ट की गारंटी रहेगी। क्या बात है। हाँ। मतलब दवाई छोड़ो, नेचुरल जूस पी लो। हाँ जी। और ये नेचुरल जूस जो है वो आपकी कोई भी, मतलब लोग आते भी होंगे किसकी कि, कौन सी बीमारी खतरे में आप दो रहे हैं, और शुगर के लिए भी आते हैं जी, पथरी के लिए भी आते हैं, और बॉडी डिटॉक्स करने के लिए भी आते हैं जी, ये नहीं कि सभी लोग मेरे पास बीमारी आते हैं भैया, ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो है कोलेस्ट्रॉल की होगी, बीपी की। मैं इसी का आपको एक बहुत शानदार जीता जागता उदाहरण देता हूँ। मेरे एक परम मित्र हैं राजेश हुड्डा जी, और उनको शुगर है, और पीछे उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये बड़ा मजाक उड़ाते हैं जी उनका, हुड्डा साहब का, कैसे उड़ाते हैं, वो जूस पीने आते हैं जी, जब वो एकदम फिट हो जाएं तो वो फिर आपको 10 दिन दिखेंगे नहीं। अच्छा। इग्नोर कर देंगे। अच्छा। तो उन्होंने जैसे महीना की इग्नोर कर दिया, पिया नहीं, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया, तो जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने जी जूस पीना चालू किया, और इनको बता दिया कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल के हिसाब का जूस पिलाया, ठीक मात्र 11 दिन बाद रिपोर्ट कराई, और हुड्डा साहब की जो बड़ी बिटिया है वो MD मेडिसिन डॉक्टर है आरटीमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में, और उनका बेटा भी डॉक्टर है महाराष्ट्र में, तो रिपोर्ट उनको भेजी, तो डॉक्टर पूजा हुड्डा ने ये पूछा कि पापा के पिया आपने, कौन सी दवाई ली है, जो एकदम आपका सारा सौदा ठीक हो गया। तो फिर मैंने बताया, फिर पूजा को, माँ बेटा, पूजा मेरी विद्यार्थी रही है, शिष्या रही है, तो मैंने बताया माँ बेटा ये ऐसे ऐसे है, तो वो पूजा भी ये बोली कि सर मैं जब भी अब घुमाना आऊंगी ना तो मेरे को ये चीज आप दिखाना जरूर। बिल्कुल। तो ऐसे ना अनेकों एग्जांपल हैं इस सेक्टर के अंदर, ये सेक्टर 7 की जो मार्केट है इसके भाई, ये अगर देखो आप किसी को आना है ना, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है, जो कम्युनिटी सेंटर है ना सेक्टर 7 का, जो कम्युनिटी सेंटर है, पता चले भाई कैसे। और ये देखो ये एक अपना छोटी सी वो है, आयुर्वेदिक दवाइयों का तो काम है ही, उसके साथ सुबह सुबह कितनी कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो आप? 10 बजे तक जी, 6 से 10 बजे तक रहते हो सुबह सुबह। और भाई पीछे हमारा आ गया PNL बैंक जो कि घर जैसा इसमें है। ये पहले अर्क पिलाते हैं, अर्क 2 गिलास है इनके पास, मैं कॉफी भी खाया था आप ये देखो, ये इनका गिलास है, ये 50 रुपए का देते हैं। हाँ। और ये 100 वाला गिलास है, तो बड़े शाने भी हैं ये। आप इस गिलास को मापोगे तो इसे इसे 3 आ जाएंगे इसमें। अच्छा। तो मैंने इससे पूछी माँ भाई 50 वाले गिल बेईमानी ईशा के ऊपर रहते हैं गड़बड़, वो बोले जी जीवे तो लोग 100 पावेंगे। तो पहले पहले ये अर्क पिलाते हैं जी, अर्क पिला दिया मेरे को, अब ये जूस पिलाएंगे। अच्छा, अर्क पहले पिलाएंगे फिर? हाँ, पहले अर्क पिलाएंगे जी। तो इस जूस में क्या मिला है आपने? इसमें सारे आइटम सारे मिक्स कर दिए, सारा घास फूस इकट्ठा कर दिया गया।
हाँ जी बिल्कुल, सारा डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी वास्ते। एक बात और अरुण, जैसे मैं राजीव दीक्षित जी को मानता हूँ इस मामले में, स्वास्थ्य के मामले में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, उनको सुन के और बहुत प्रयोग किए जो सारे सफल निकले। जिसको नॉलेज है थोड़ी की, वो अपने हिसाब से भी जूस बनवा सकता है। जैसे आप धर्मवीर जी से पूछेंगे, मैं अपने हिसाब से पीता हूँ, मुझे क्या पीना है, जैसे 15 दिन मैंने कुछ पिया है, 15 दिन मैंने कुछ पिया है, तो वो भी कर सकते हैं जिनको नॉलेज है। जिनको नहीं है नॉलेज वो ये देंगे। क्या बात है भाई, देखो जिसको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आ जाओ धर्मवीर जी के पास, गोहाना के सेक्टर 7 मार्केट में, और सुबह सुबह होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो इस तरह का काम क्या पता और जगह भी होता होगा, लेकिन बड़ी बात ये है उनकी खुद की नर्सरी नहीं होगी, जहाँ पे ये खुद का एलोवेरा अपना लगाते हैं रोज सुबह सुबह, अपना बढ़िया फ्रेश उखाड़ के लाए और उसके बाद सारे पत्ते फ्रेश ले कर आए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही जानकारी होगी ना, तभी वो दवाई काम करेगी। ये बड़े असली बात ये है कि भाई असली बात वही है अरुण, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, असली बात वही है। एलोवेरा जैसा जूस अगर किसी को भी यहाँ पीना तो आ जाओ भाई धर्मवीर जी के पास, गोहाना के सेक्टर 7 मार्केट में। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, रिजल्ट की गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है भाई। ठीक है अरुण जी, मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा। हाँ, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। क्या बात है, कोई ऐसा ही बुजुर्ग हो, ऐसा ही बुजुर्ग है, अनाथ है और शहीद परिवार से, उनको मैं जूस फ्री पिलाता हूँ। क्या बात है, पूरा भाई बीमार हो और जरूरत हो तो जूस पिला दो। और ऐसा ही कोई बुजुर्ग है, अनाथ है या शहीद परिवार से है, और उनको बेचारे आर्थिक कंडीशन कमजोर है बिल्कुल ही, तो मैं उनको दवाई अभी खरीदूंगा जी। क्या बात है जी, मेरी दवाई कितनी महंगी हो। तो इसके अलावा भी दवाइयाँ आपके पास हैं? हाँ जी, दवाइयाँ घर से लेके जाते हैं जी सभी जी, मेरे पूरे 17 साल की दुकानदारी है जी, 12 साल मैंने फ्री दवाइयाँ दी हैं और अब मैं कोष्ट लेता हूँ। चलो बढ़िया है भाई, जिसको भी अपने स्वास्थ्य प्रति सजग होना है तो आ जाओ भाई धर्मवीर जी के पास में एक बार। और ये इस तरह से पैकिंग करके देते हैं, पैकिंग जैसे मैं प्रतिदिन पी लेता हूँ, और सच्चाई सफाई और पवित्रता घर के लिए भी लेके जाता हूँ साथ में।